हे दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल। रात के करीब 12 बज चुके हैं। आज फिर एक बार आपके सामने YouTube लाइव में हाजिर हूँ। सर, हमारा दोस्त राहुल लापता हो गया है। गायब हो गया? मतलब? सर, सर कुछ भी करके हमारे दोस्त को ढूंढ लीजिए। यार सच कहूँ तो मुझे उस पुलिस वाले पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। हम वहां जाएंगे, पर अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। इस कहानी के लेखक है संजय कामले। राहुल, राहुल कहाँ हो तुम? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए राहुल? लाइट को क्या हुआ? शायद कहीं पर शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, इसीलिए पूरे इलाके की बिजली चली गई है। ये क्या हो रहा है और ये जगह कौन सी है? सुनैना इतनी डर गई थी कि वो एकदम से बेड पर उठकर बैठ गई। डर के कारण उसके दिल की धड़कन काफी तेज हो गई थी। कितना अजीब डरावना सपना था। खुद से बात करते हुए उसने अपना सर पकड़ा। शायद राहुल के बारे में ज्यादा सोचने की वजह से उसे ऐसे अजीब अजीब सपने आ रहे थे। लंबी सांस लेते हुए उसने खिड़की की तरफ देखा और सन्न रह गई। डर के मारे उसकी आवाज ही दब गई। वो डिजिटल कैमरा खिड़की में उसके बिल्कुल पास रखा हुआ था। सड़क की दूसरी तरफ मैकडॉनल्ड से कुछ बर्गर और आइसक्रीम लेकर दौड़ता हुआ विवेक सड़क की इस तरफ आ गया। सबके हाथ में एक एक बर्गर और आइसक्रीम देखते हुए उसने सुनैना की तरफ देखा। वो चुपचाप आंखें बंद करके बैठी रही थी। उसने कुछ भी खाने के लिए पहले ही मना किया था। बर्गर का एक बड़ा सा निवाला खाते हुए अतुल ने सुनैना से पूछा, पर वो डिजिटल कैमरा कहाँ है? पता नहीं, रात को मैंने खिड़की के पास देखा, फिर उठाकर टेबल पर रख दिया। सोचा सुबह होते ही तुम लोगों को दिखाने ले आऊंगी, पर सुबह देखा तो कैमरा वहाँ पर नहीं था। पूरे कमरे में ढूंढा, घर में सभी से पूछा, पर कल रात देखा वो अजीब सा सपना सुनैना ने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। सुनैना की बात ध्यान से सुनते हुए अतुल ने पूछा, मतलब तुमने जो पहले देखा था वो सपना था, या दूसरी बार देखा था वो सपना था, या दोनों बार तुम सपने में ही थी? क्योंकि अगर कैमरा तुमने अपने हाथों से टेबल पर रखा था तो वो तुम्हारे घर में कहीं पर तो होना चाहिए था, तो गायब कैसे हो गया? पता नहीं,
पर मुझे तो बहुत डर लग रहा है, शायद राहुल की जान खतरे में है। पीछे के सीट पर सचिन के कंधे पर सर रखकर बैठी हुई राधिका ने आइसक्रीम खाते हुए सबसे पूछा, राहुल के बारे में पूछने के लिए उस इंस्पेक्टर ने किसी को कॉल किया था क्या? उसकी बात सुनकर सभी ने नामे गर्दन हिलाया। आगे की सीट पर आंखें बंद कर बैठी सुनैना नाराज होकर बोली, यार सच कहूँ तो मुझे उस पुलिस वाले पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मुझे नहीं लगता वो राहुल को ढूंढने की कोशिश भी करेगा। सुनैना की उदासी भरी आवाज सुनकर सचिन ने कहा, क्यों ना हम खुद राहुल को ढूंढने की कोशिश करें, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना। विवेक भी सचिन की बात सुनकर थोड़ा गुस्सा हुआ और सुनैना को उसका आइडिया पसंद आया। झट से अपनी आंखें खोली और पीछे मुड़कर देखते हुए सचिन से पूछा, पर वो कैसे? सुनैना, इसके साथ तू भी पागल हो गई है क्या? हम सब रात उस जगह जाएंगे और राहुल की तलाश करेंगे। सचिन की बात सुनकर राधिका ने गुस्से में आंख बबूला होते हुए जोर से सचिन का हाथ दबाया। हाँ, ताकि वो भूत हमें भी गायब कर दें, है ना? बड़ा ही बेतुका आइडिया है। विवेक दोबारा गुस्सा हुआ। विवेक की बात सुनकर राधिका ने कहा, मुझे लगता है विवेक ठीक ही कह रहा है, हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। चाहे तो हम दोबारा से पुलिस स्टेशन में जाकर उस इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये पुलिस का काम है। राधिका की बात सुनकर सचिन ने उसे समझाया, राधिका, राहुल पुलिस का दोस्त नहीं था बल्कि हमारा दोस्त था, पुलिस को उसकी कोई फिक्र नहीं है। अगर हम दोबारा पुलिस स्टेशन गए तो उस पुलिस वाले को ये भी याद नहीं होगा कि हम पिछली बार किस लिए आए थे। सचिन की बात सुनकर राधिका एकदम से चुप हो गई, उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। सचिन ने दोबारा अपने दोस्तों की तरफ देखकर कहा, हम वहां जाएंगे पर अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे, हमारे साथ मोबाइल तो होगा ही, साथ ही दो एक्स्ट्रा कैमरे और ईयरफोन, जिससे कॉन्फ्रेंस कॉल में हम सभी एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, साथ ही कुछ और चीज लेकर जाएंगे। सचिन की बात सुनकर अतुल ने पूछा, पर उससे क्या होगा? अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए सुनैना ने कहा, इससे हमें ये पता चलेगा कि आखिर उस जगह होता क्या है। सच कहा, हमें ये नहीं पता कि कितने लोग आज तक वहाँ से गायब हो गए हैं, हम इस बात को आज तक एक मनगढ़ंत कहानी के रूप में देखते थे, पर आज हमारा दोस्त सचमुच गायब हो गया है। सचिन को बीच में रोकते हुए राधिका बोली, आई एम सॉरी यार, पर मैं नहीं आ सकती, आप लोगों को मेरे पापा के बारे में पता है ना? राधिका ने इनकार किया, क्योंकि उसके पापा रात भर बाहर रहने की इजाजत नहीं देने वाले थे। उसकी तरफ देखते हुए सुनैना ने कहा, कोई बात नहीं राधिका, हम समझ सकते हैं। सभी की ओर देखते हुए सचिन ने कहा, गाइज, मैं इंटरनेट से उस जगह के और वहाँ के रहने के लिए जो रूल्स हैं उनके बारे में पूरी जानकारी लेता हूँ। विवेक थोड़ा परेशान हो गया, उसने सबकी ओर देखते हुए कहा, फ्रेंड्स, अगर राहुल को ढूंढना ही है तो रात को ढूंढने की क्या जरूरत है, हम दिन में भी उसे ढूंढ सकते हैं ना। इस घर का पहला नियम है, जो जिस वक्त गायब हो गया है उसे उसी वक्त ढूंढने पर ही मिल सकता है। सुनैना की बात सुनकर विवेक खामोश हो गया। दूसरे दिन पुलिस की वैन उसी बंगले के बाहर खड़ी थी। ड्राइवर सीट पर बैठा हवलदार गाड़ी की खुली खिड़की से ही बंगले के भीतर जाते हुए इंस्पेक्टर साहब और दो हवलदारों को देख रहा था। पुलिस की टीम उस बंगले का मुआयना करने पहुंची थी। पूरा बंगला छान मारा, एक एक रूम, एक एक कोना अच्छी तरह से देख लिया। काफी अजीब सी जगह थी, किसी खाली कमरे के भीतर नाखूनों के खरोचों के निशान, कुछ आधी जली मोमबत्तियां, दीवारों के ऊपर अजीब से डरावनी आकृतियां, जैसे किसी शैतानी ताकत की होने की चिन्ह लग रहे थे। पूरा बंगला अच्छे से देख लिया पर राहुल के होने का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन एक बात जरूर इंस्पेक्टर साहब और उनके हवलदारों ने महसूस की, उस बंगले के भीतर किसी के ना होकर भी होने की मौजूदगी उन्हें साफ साफ महसूस हो रही थी। वो अकेले किसी भी कमरे में जाते हैं तो उन्हें साफ साफ महसूस होता था कि उनके पीछे भी कोई आ रहा है, मगर पीछे देखने पर कोई नहीं होता। कमरे में सन्नाटा होने के बावजूद किसी के होने का एहसास पल पल हो रहा था। बाहर सूरज की आग उगलती कड़ी धूप होने के बावजूद भीतर एक अजीब सी ठंडक शरीर महसूस कर सकता था। काफी देर तफ्तीश करने के बाद इंस्पेक्टर और कांस्टेबल बंगले से निकलकर पास में ही खड़े पुलिस वैन के पास पहुंचे। दोबारा पीछे मुड़कर बंगले की तरफ देखते हुए
कांस्टेबल ने कहा, साहब ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है, इस बंगले के भीतर कुछ भी सामान्य सा नहीं लग रहा था। कांस्टेबल की बात सुनकर इंस्पेक्टर साहब ने भी उस बंगले पर नजर डाली। सही कहा, मैंने इस बंगले की पूरी हिस्ट्री पता कर ली है, किसी दिन इत्मीनान से बात करेंगे। गाड़ी स्टार्ट करते हुए कांस्टेबल ने पूछा, पर कब बताएंगे साहब? अगर दोबारा कोई गायब हो जाता है साहब, उस दिन बताएंगे। हवलदार की बात पर सभी ठहाका मार कर हंसने लगे और उनकी पुलिस वैन जंगल के वीराने में बसे उस बंगले के गेट से बाहर निकलकर सुनसान रास्ते से गुजरने लगी। गाड़ी से ही उस बंगले की तरफ झांकते हुए इंस्पेक्टर साहब बोले, हद है यार, ये भूत इतने वीराने में सन्नाटे में इंसानों से दूर रहते हैं, फिर भी इंसान उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब हम बेवकूफ किसे कहें, भूत को या ऐसे इंसान को? सर, ये भूत वगैरह को तो मैं नहीं मानता, मुझे नहीं लगता किसी भूत के चक्कर में वो लड़का गायब हो गया है। मतलब? मुझे लगता है उस मैना के चक्कर में तीन लड़कों ने अपने साथी लड़के को मारकर उसकी लाश को इसी जंगल में कहीं पर फेंक दिया होगा। हवलदार की बात सुनकर इंस्पेक्टर साहब थोड़े हैरान हो गए। उन्होंने दोबारा हवलदार से पूछा, ये भी हो सकता है, वैसे ये मैना कौन है और उसका इस केस के साथ क्या कनेक्शन? इंस्पेक्टर साहब की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में हवलदार ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब वही सबसे खूबसूरत लड़की, सुनहरे रेशमी बाल, चांदी की तरह बेदाग गोरा रंग, वही जो नीली जींस और जामुनी रंग का शर्ट पहनकर आपके सामने वाली कुर्सी पर बैठी थी, जो अपना सर पकड़कर फूट फूट कर रो रही थी, वही जो अपने दोनों हाथ आपके सामने जोड़कर अपने दोस्त को ढूंढने के लिए विनती कर रही थी। ड्राइवर की बात सुनकर इंस्पेक्टर साहब को सब कुछ याद आ गया। हवलदार की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, अरे हवलदार जी, उसका नाम मैना नहीं नैना, मेरा मतलब सुनैना है। सब बातें करने में मशगूल थे और उनकी गाड़ी धीरे धीरे जंगल के डरावने माहौल से बाहर निकलने लगी। इधर सब दोस्तों ने तैयारी पूरी कर ली थी। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें, हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।